हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर फिफ्थ ऑफ एक्सरसाइज 11.2। देखो जरा इसमें क्या कहता है, कंस्ट्रक्ट अ राइट ट्रेंगल हुज बेस इज 12 सेंटीमीटर एंड सम ऑफ इट्स हाइपोटन्यूज एंड अदर साइड इज 18 सेंटीमीटर। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये सबसे पहले तो ये कह रहा है कि जिसका बेस कितना हो 12 सेंटीमीटर, मान लो ये 12 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है, और सम ऑफ इट्स हाइपोटन्यूज एंड अदर साइड, तो राइट ट्रेंगल है तो मान लो इस वाले पे कितना हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, ये मान लो कितना हो गया 90 डिग्री, ठीक है, और ये बन गई इसकी यानी कि हाइपोटनेस। इसका मतलब इसको मैं अगर बी मान लूँ, इसको सी और इसको ए, ये हो गया 90 डिग्री बी पे, ठीक है, और सम ऑफ इट्स हाइपोटनेस ये वाली एंड अदर साइड, अदर साइड मतलब कौन सी, ये परपेंडिकुलर बना, ठीक है, इसका और इसका सम यानी कि ये कह रहा है ए बी प्लस ए सी कितना है 18 सेंटीमीटर है, क्लियर, ए बी प्लस ए सी कितना है 18 सेंटीमीटर है, एंड नाउ कंस्ट्रक्ट ट्रेंगल, ट्रेंगल कंस्ट्रक्ट करना है हमें, ठीक है, बेस हमें पता है 12 सेंटीमीटर ले लिया, राइट एंगल ट्रेंगल था तो एक 90 डिग्री बनाया, और वो कह रहा है हाइपोटनिस और दूसरी साइड, दूसरी साइड कौन सी बची, परपेंडिकुलर ही बची क्योंकि बेस की वो पहले से बात कर रहा था, हाइपोटनिस और अदर साइड कौन सी रह गई होगी, परपेंडिकुलर, तो यानी कि ये ए बी प्लस ए सी कितना है 18 सेंटीमीटर, तो ये कंस्ट्रक्ट हो सकता है, बिल्कुल सेम वैसा ही हो गया ये तो जैसा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था इस एक्सरसाइज का, तो कर सकते हो आप ड्रो, बहुत ईजी है, ठीक है, तो देखते हैं चलो इसको। सबसे पहले तो हम बी सी लेते हैं कितना 12 सेंटीमीटर, बेस लेते हैं 12 सेंटीमीटर, दिख रहा है ये, ठीक है, ये मैं यहाँ एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, कितनी है ये 12 सेंटीमीटर, ठीक है 12 सेंटीमीटर की लाइन, और इसका नाम देते हैं बी सी, कितनी है ये 12 सेंटीमीटर, दिख रहा है, ठीक है, बी सी हो गई 12 सेंटीमीटर। अब मुझे बी पर बनाना है 90 डिग्री का एंगल, तो 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर, ये देखो आता है ना ड्रॉ करना 90 डिग्री का एंगल, ठीक है, ये 60 की आर्क होती है, ये 120 की, और इन दोनों से फिर हमें यहाँ ऊपर आर्क लगानी होती है, और ये जहाँ भी कट करती हैं उसको हमें इस बी से मिलाना होता है, ये बन गया हमारा 90 डिग्री का एंगल, क्लियर। अब देखो जरा, जैसे हम फर्स्ट उसमें करते थे तो हमें ये लाइन आ गई, जैसे मान लो कहाँ तक आ गई है, एक्स तक आ गई होगी, ठीक है, और इस लाइन को मेरे को कितना कट करना है, ये देखो जरा मेन बात ये है, कहाँ तक कट करना है इसको 18 सेंटीमीटर तक, तो 18 सेंटीमीटर देखो कैसे कट कर सकता हूँ, अब स्केल तो इतना ही है हमारे पास, क्या कर सकते हैं, ये मान लो 15 की तो ये आ जाएगी लाइन, ठीक है, 15 की यहाँ तक आ गई है, ठीक है, अब 15 की यहाँ तक आई है तो 3 और ले लो यहाँ से, ठीक, ये हो गई 3 और ले ली हमने ये, ठीक है, इसको पॉइंट दे दो डी नाम, ठीक है, वैसे ये ऊपर तक क्या थी एक्स थी, लेकिन इसको हमने यहाँ कट कर दिया डी पे, कितना 18 सेंटीमीटर पे, ठीक है, अब इसको हमें ज्वाइन भी करना है, अब इसको ज्वाइन करना है किसके, सी के साथ, सी डी को ज्वाइन करना है, तो कैसे करें इसको ज्वाइन, देखो ज़रा थोड़ा सा अंदाजे से करते हैं पहले, अगर ये बड़ा स्केल हो ना तो ईजिली बन जाएगा वैसे तो, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा करते हैं कुछ, तो इस तरीके से, ठीक है, आप बड़े स्केल से कर लेना इसको, क्लियर, मैं तो थोड़ा सा यहाँ पर अब बनाना है तो बनाएंगे इस तरीके से ही, ठीक है, थोड़ा सा आप देख लेना इसको, ठीक, ये हमारी ड्रॉ हो गई है लाइन, ठीक है, अब ये मैंने क्या किया, सी डी को ज्वाइन किया, अब हम क्या करते थे इसमें याद करो, इसका बाइसेक्ट करते थे, इस लाइन का क्या करते थे बाइसेक्ट, अब बाइसेक्ट कैसे करेंगे, कंपास को हाफ से ज़्यादा ओपन करना है, हाफ से ज़्यादा ओपन ऐसे ही हो सकती है, ठीक है, और एक यहाँ डी पर रखेंगे हम कंपास को, ठीक है, चलो ये भी कट गया है यहाँ पर, और एक इधर से ये कट गया, ठीक है, अब इसको भी ज्वाइन करना है, अब इसको ज्वाइन कैसे करें देखते हैं, देखो ये दिख रहा है ना आपको, ये ऐसे इंटरसेक्ट हुआ है, क्लियर, तो इसका सी डी का ये बाइसेक्ट हो गया हमारे पास, ठीक है, अब इसको देखो हमें उस लाइन से ज्वाइन करना है, तो इसको ज्वाइन देखते हैं कैसे हो सकता है ये, ठीक है, परफेक्ट है बिल्कुल, ठीक है, यहाँ से हम इसको करते हैं ऐसे,
ठीक है जी। तो ये मैंने इसमें कर दिया, आप इसको स्केल बड़े वाले स्केल की हेल्प से कर लेना, ठीक है। यहाँ तो ये मैंने बना दिया अब, ठीक क्लियर है। अब ये क्या हो गया हमारे पास, ये बाइसेक्ट हो गई यहाँ पर, इसको अच्छे से कर लेते हैं थोड़ा सा, क्लियर। तो इस लाइन का बाइसेक्ट हो गया और ये बाइसेक्ट जो है इस पॉइंट पे मिला, इसको हम क्या बोल सकते हैं, ए पॉइंट बोल देंगे इसको, और इस सी और ए को ज्वाइन कर देंगे, यानी कि ए सी को हम ज्वाइन करेंगे और ये बन गया हमारे पास एक रिक्वायर्ड ट्रायंगल, कौन सा, ए बी सी। और देखो ए बी सी में हाइपोटेनस बड़ी आ रही है, ठीक है, और हाइपोटेनस हमेशा बड़ी होती है, इन दोनों साइडों से हाइपोटेनस क्या होती है, हमेशा बड़ी ही होगी, क्लियर इतनी बात या नहीं, समझ रहे हो। ये तो पता है राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी साइड क्या होती है, हाइपोटेनस होती है, तो ये चीज़ यहाँ हो भी रही है हमारे पास, क्लियर। और इसको हम यहाँ लिख सकते हैं, ये रहा 90 डिग्री। तो इस वाले डायग्राम को थोड़ा सा बड़े स्केल से बनाना तो उससे ठीक रहेगा आपके पास, ठीक है। लेकिन मैंने तो बना दिया इसी स्केल से भी, ठीक है, तो बन तो सकता है, क्लियर। तो आप देख लेना जिससे आपको ठीक लगे आप उससे बना लेना, वैसे बड़े स्केल की हेल्प से बनाओगे तो आपसे बिल्कुल सही बनेगा, क्लियर इतनी बात, ठीक है। अब इसकी कंस्ट्रक्शन देखो जरा, यहाँ कंस्ट्रक्शन मैंने लिखी हुई है, ठीक है। देखो सबसे पहले हमने क्या किया, ड्रॉ द बेस बी सी, कितना है 12 सेंटीमीटर, बेस बी सी हमने 12 दिया, बी पर हमने कितना एंगल बनाया 90 डिग्री बनाया, और कटर लाइन सेगमेंट बी डी को हमने कितना कट किया था, ये 18 सेंटीमीटर पर कट किया था, क्लियर। उसके बाद कितना ज्वाइन हमने सी डी कर दिया, सी डी को ज्वाइन कर दिया था, क्लियर। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिया किसका, सी डी का, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर देखो हमने सी डी का लिया था, एंड नाउ दैट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इंटरसेक्ट बी डी एट ए, और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, बी डी को, ए पॉइंट पे। और उसके बाद नाउ ज्वाइन ए सी, ए सी को हमने ज्वाइन कर दिया, और नाउ दिस इज अ रिक्वायर्ड ट्रायंगल, ए बी सी इज अ रिक्वायर्ड ट्रायंगल, क्लियर इतनी बात, सिंपल ही था, ठीक है। बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन जैसे किया था हमने वैसे ही था, बस थोड़ा सा यहाँ से देखना था कि कैसा बन रहा है, ए बी प्लस ए सी 18 सेंटीमीटर हो रहा है, ये चीज़ है, ठीक है। जस्टिफिकेशन देखो कैसे करेंगे, यहाँ पर हमारे पास ए बी प्लस ए सी 18 था, ठीक है, और मैंने ये बी डी वाला जो पॉइंट था ये कट किया था कितना 18 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो इस बी डी को अगर इस डायग्राम के अकॉर्डिंग देखें हम, बी डी को, इस बी डी को देखो जरा, ये बी डी, इसकी भी जस्टिफिकेशन बिल्कुल वैसी होगी जैसे क्वेश्चन फर्स्ट की थी, ठीक है। तो ये बी डी देखो किसके इक्वल आ रहा है हमारे पास, ए बी प्लस ए डी के इक्वल, ये बी डी वाली लाइन देखो जरा, तो बी डी वाली लाइन है आपके पास, ठीक है, ये किसके इक्वल आ रही है, दिस ए बी प्लस दिस ए डी, तो ये आ रही है हमारे पास, ठीक है। और हमें क्या चाहिए ये वाली लाइन के अकॉर्डिंग, इसमें ए बी प्लस ए सी चाहिए, है ना, ए बी प्लस ए सी, ए सी कैसे आ जाएगा, देखो इसमें भी बड़ा सिंपल सा है, देखो ये एक सी डी लाइन थी, सी डी लाइन का ये बाइसेक्टर था, क्लियर। अगर ये बाइसेक्टर है तो ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा, ये 1 मान लो, ये 2 मान लो, ठीक है। और ये पॉइंट अगर O है तो ये OD और OC इक्वल होगा, क्योंकि ये वाली लाइन का ही बाइसेक्टर है, तो ऑब्वियसली ये इसको इक्वली हाफ कर रही होगी, ठीक है। और OA OA कॉमन है, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गए ये दो ट्रायंगल, अगर ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो बाय CPCT ये AD और ये AC इक्वल होंगी या नहीं, बस फिर और क्या रह गया इसमें, देखो अब इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल AOC में देखो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो गया, यानी कि ये है ईच 90 डिग्री है, ठीक है, और OD इक्वल टू OC है ड्यू टू द बाइसेक्टर लाइन, और ये OA इक्वल टू OA हो गया इसमें, OA इक्वल टू OA ये क्या है कॉमन हो गया, तो यानी कि बाय SAS रूल ये ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल AOC के, क्लियर इतनी बात। अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो बाय CPCT ये वाली साइड AD इक्वल टू AC हो जाएगी, तो AD हो जाएगी AC के इक्वल, कहाँ से, बाय CPCT। तो इसका मतलब BD की वैल्यू क्या आ जाएगी अब, AB प्लस AD की जगह क्या आ जाएगा अब AC, और यही था हमारे पास AB प्लस AC ही कितना था 18, क्योंकि मैंने BD के इक्वल लिया था 18। तो यहाँ से ये हम जस्टिफाई कर पा रहे हैं कि ये जो हमने पार्ट लिया था BD का 18 का, ये किसके इक्वल है, AB प्लस AC के इक्वल है, क्लियर इतनी बात। समझ पा रहे हो कैसे कर रहे हैं जस्टिफिकेशन, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये सब करना है, ठीक है, एक बार देख लेना इनको अच्छे से। ओके, थैंक यू।